उसका बन गया था चुपचाप, वो चला गया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। आज अजमेर एनएसयू द्वारा चीन वो सीमा के ऊपर जो हमारे भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको आज हमने मौन प्रार्थना रखकर श्रद्धांजलि दी है। और आज हमारे एनएसयू के दो कार्यकर्ताओं द्वारा गौरवचारण और एक कार्यकर्ता द्वारा मुंडन शहीदों के लिए करवाया है। आज 12वें दिन के ऊपर शहीद हुए 12 दिन हो गए, इस 12वें दिन के उपलक्ष्य में आज मुंडन करवाया है। और अजमेर एनएसयू द्वारा आज शाम को हर कार्यकर्ता द्वारा अपने घर के बाहर एक एक शहीदों के लिए दिया जलाया जाएगा। आज आपने क्या करा है यहाँ पर? आज हमने दो कार्यकर्ताओं द्वारा मुंडन करवाया है और मौन प्रार्थना रखी है। नवीन सोनी, अजमेर एनएसयू जिलाध्यक्ष। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिले ने जो शहीद हुए थे चीन के जवानों के साथ झड़प में, हमारे भारतीय जवान जो शहीद हुए थे उनके लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा, उनके लिए पुष्प अर्पित किए और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवा के कि भारत सरकार की केंद्र अंधी सरकार को ये संदेश दिया है कि हमारे जो वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं, जो वीरगति प्राप्त हुए हैं, उनकी वीरगति का बदला लिया जाए। आज हर भारतीय की ये मांग है। और आज इससे बड़ी भारतीयों की दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि केंद्र सरकार शहीदों की ठीक से संख्या भी नहीं बता पाई है और हमारे भारतवासियों को और विश्वास में नहीं ले पाए हैं अपने प्रधानमंत्री जी। तो एनएसयूआई कार्यकर्ता ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से कि वो इस अपनी चुप्पी तोड़े और अपने बड़े बड़े बंगलों से और एसी हॉल से बाहर निकल के भारत जनों को ये विश्वास दिलाए कि वो भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और भारतीय सेना का बदला लेने के लिए क्या कर रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता देश के किसानों, मजदूरों और जवानों के साथ खड़े हैं, ये संदेश आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिया है और शहीदों के सम्मान में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया। आपका नाम? दिनेश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई अजमेर। माता की भारत माता की भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद।